बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी सिंगल और हम कर रहे हैं फोनिक्स। फोनिक्स में हम कर रहे हैं हमारा सिलेबल डिवीजन। सिलेबल डिवीजन में हम सीखते हैं कि हमें अपने वर्ड्स को किस तरह से डिवाइड करना है कि हमें पता चले कि हमारे जो वाउल्स हैं वो अपना शॉर्ट साउंड दे रहे हैं या लॉन्ग साउंड दे रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का रूल क्या है। हमारा आज का रूल है कॉन्सोनेंट प्लस एलई वर्ड्स। कॉन्सोनेंट प्लस एलई वर्ड्स यानी कि वर्ड के लास्ट में एलई है और उससे पहले कोई भी हमारा एक कॉन्सोनेंट है। अब जैसे इन सभी वर्ड्स में आप देखते हैं एलई लास्ट में, हम सब वर्ड्स ये जितने वर्ड्स हैं इनके बीच में लास्ट में एलई है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है। जैसे यहाँ पे बी है, के है, टी है, इस तरह से एलई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे? ऐसे वर्ड्स को हम डिवाइड करेंगे कॉन्सोनेंट से पहले। यानी एक इसमें हम ऐसे करते हैं कि 1 2 3 जंप, 1 2 3 जंप एंड कट द वर्ड। ओके, तो अगर हमने इस वर्ड को इस तरह से काट दिया तो हमारा ओ क्या है, वो ओपन हो गया। ओ ओपन हो गया तो अब ये कैसे अपनी शॉर्ट साउंड देगा या लॉन्ग साउंड? ये देगा अपनी लॉन्ग साउंड। अब ये क्या बन गया? ये नॉ नहीं बनेगा, नो बनेगा, नोबल, नोबल। तो इसी तरह से जो हमारे कॉन्सोनेंट प्लस एलई वर्ड्स है उसे हम कट करेंगे कॉन्सोनेंट से पहले। तो इस तरह से हमारी नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, 1 2 3 एंड कट द वर्ड। तो हमारा यहाँ ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो यहाँ पे ए हमारा क्लोज है तो एंकल। इस तरह से 1 2 3 एंड कट द वर्ड। आई हमारा ओपन हो गया, आई ओपन हो गया तो अपनी लॉन्ग साउंड देगा टाइटल, टाइटल, टाइटल। उसी तरह से ये वर्ड देखेंगे यहाँ पे भी अगेन 1 2 3 एंड वी विल कट द वर्ड। तो यहाँ पे हमारा यू जो है वो क्लोज हो गया, क्लोज हो गया और ये हमारा वर्ड अलग हो गया। तो वर्ड ट अर टर टल, वैसे ये आर कंट्रोल साउंड है, अर यू आर अर, तो टर टल टर्टल। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 एंड वी विल कट द वर्ड। हमारा यहाँ पे ए क्या है वो क्लोज हो गया तो अपनी शॉर्ट साउंड देगा क कैंडल, कैंडल। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड 1 2 3 एंड वी विल कट द वर्ड। यहाँ पे ये हमारा यू क्या है क्लोज हो गया तो अपनी शॉर्ट साउंड देगा ह हम बल, हम बल। इस तरह से वर्ड्स को, नेक्स्ट वर्ड 1 2 3 एंड वी विल कट द वर्ड। ए हमारा क्या हुआ क्लोज हो गया तो अपनी शॉर्ट साउंड देगा स सैंपल, सैंपल। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 एंड कट द वर्ड। डब्ल्यू आर सेज र, र ई शॉर्ट साउंड, ई का शॉर्ट साउंड र ई रिंकल, रिंकल। नेक्स्ट वर्ड 1 2 3 कट द वर्ड ज जंबल, यहाँ पे शॉर्ट साउंड क्योंकि ये क्लोज है। तो ये था हमारा कॉन्सोनेंट प्लस एल ई वर्ड्स। उसमें हम सिलेबल डिवीजन कैसे करते हैं, अपने वर्ड्स को कैसे काटते हैं, लास्ट में कॉन्सोनेंट से पहले हम अपने वर्ड्स को काटते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे जो वाउल्स है उसके अंदर वो शॉर्ट साउंड देंगे कि लॉन्ग साउंड देंगे। अगर वो ओपन है तो शॉर्ट लॉन्ग साउंड देंगे, अगर वो क्लोज हो जाते हैं तो वो अपना शॉर्ट साउंड देंगे। तो ये था हमारा आज का रूल नंबर 5 जिसमें हमने देखा कि कॉन्सोनेंट प्लस एल ई के वर्ड्स को हम किस तरह से बांटते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।